आप देख रहे हैं द इंडियन समाचार, नो कम्प्रोमाइज ओनली न्यूज। महाराजगंज में तेजी से बढ़ रहा अपराध का ग्राफ, महिला कोतवाल रेखा सिंह कोतवाली चलाने में असफल। लगातार क्षेत्र में हो रही आपराधिक घटनाएं, अपने आप को दबंग कोतवाल बताने वाली कोतवाली प्रभारी रेखा सिंह कोतवाली कंट्रोल करने में असफल नजर आ रही हैं। कई दिनों से दो पक्षों में जमीनी विवाद चल रहा है। पूरे दलजीत सिंह मजरे परहे मऊ में बुधवार को दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक दर्जन दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों से दर्जनों लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा लिया। आज बृहस्पतिवार की फिर एक बार दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसे एक पक्ष की बाइक तोड़ डाली और जमकर पूरे गांव में उत्पात मचाया। क्षेत्र में इस समय दहशत का माहौल व्याप्त है। जानकारी के अनुसार कई दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते क्षेत्र में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र में अपराध का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसको नियंत्रण करने में महाराजगंज कोतवाली प्रभारी रेखा सिंह पूरी तरह असफल नजर आ रही है। क्षेत्र की जनता त्रस्त, कोतवाली पुलिस मस्त और अपराधियों के हौसले बुलंद। अपराध तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है।